गुड मॉर्निंग एवरी वन, कैसे सब सब लोग? भाई हो आप सब लोग ठीक हो गए तो वेलकम बैक टू आप लोग। नमस्कार। और अभी टाइम हो गया 4 बज के हैं। मैं फटाफट गूगल को लेकर जाती हूँ मम्मी और के पास, फिर चलते हैं मत्था टेकने के लिए। वहाँ जाकर गूगल को स्नान कर रही हैं, अभी मैंने नहीं करवाया, डाइप निकाल दिया, वॉश कर दिया अच्छे से, स्नान वहाँ जाकर करवाएंगे। चलो चलते। सो गाइस, अभी ना प्लान चेंज हो गया, गूगल को सुला दिया पापा के पास और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं पहले फल की सब्जी के दर्शन करेंगे हम। ठीक है, तो गाइस तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं और से भी है ना बिल्कुल दिख नहीं रही लाइट है। तो गाइस यहाँ पे देखो कितनी सुबह सुबह भी। तो गाइस अभी ना सुबह के 4 ही बजे और आप ना रश देखोगे ना, अभी 4 बजे भी इतना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। और मम्मी कर रही अपना सिमरन, देखो बहुत रश है अभी भी सुबह सुबह। तो गाइस अभी हम आए जोड़ा घर, जूते जमा करवा देते हैं फिर चलते हैं आगे। ये शूज जमा करवा दिए, टोकन मिल गया, चलो। अभी टाइम हो गया, 9 बज चुके हैं और सब ने मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिए बाबा जी के अच्छे से। और बीच में व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि गुगे को स्नान करवाया था, उसको मैं दोबारा से मंदिर मत्था टेकवा चलाई हूँ, मैं खुद दोबारा से टेक आई हूँ, उसको मैंने पहली बार ही टेका है। ठीक है, और लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है, देखो कितनी भीड़ है। तो गाइस कभी पापा के पास जाते, कभी एक के पास जाते हैं, कभी कोई समझ नहीं लगता। ओ रे पापा, ये आ गए पापा, दोनों ही पापा को लेके तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? होप सो लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आप लोगों ने अमृतसर के दरबार साहब के दर्शन तो कर ही लिए होंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमने ये छोले भटूरे उठे और इसको देख लो कि गिलास ले लो पापा, पी लो पानी, गिलास ले लो पी लो, एला जी कह रहे मेरे को दे दो, ई मेरे को पा दो, ई शैतान तो बहुत है। दोबारा से रेडी होगी वहाँ से, चलो चलिए। इस मार्केट में इतना ज़्यादा रश है ना, बड़ा ज़्यादा रश है मार्केट में। अभी हम जा रहे हैं सूट लेने के लिए, सूट देखते हैं और कुछ पसंद आ गया और कुछ भी देख लेंगे। तो गाइस मेरा ना फुलकारी सूट लेने का बहुत मन है, पंजाबी सूट वहाँ पर रोहतक में मिलता नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ पर बड़ी सारी वराइटी है, ये देख लो पंजाब की वराइटी कैसा हो, डिफरेंट आ रही है सूट ही सूट। गाइस अभी ना हमने सूट ले लिया है, घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको। पहुंच चुके हैं पार्किंग में और हम लोग बनाए हैं कुली, एक सेकंड दिखाता हूं आप लोगों को। तो ये लोग गाइस हम लोग कुली बने हुए हैं, एक बैग इधर एक बैग पीछे और
दो गाय मुस्कान लेके आ रही है और मम्मी चल रही है बेचारे घिसटते घिसटते। बाकी चलो ठीक है, हमारी गाड़ी खड़ी है फर्स्ट फ्लोर पे, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। क्या क्यों, यहाँ तक तो आना था। अच्छा सैर हो जाएगी, मीठे वाला जूस पिया आपने, शुगर नहीं बढ़ेगी। चलो सही है, मम्मी का तो ऐसी गाड़ियाँ देती रहती है मेरे को। चलो चलते हैं ऊपर, चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना और मम्मी देखना भी कैसे कल्पेगी, मतलब जैसे वो गालियाँ देती है ना मम्मी, हाय वे किधरों ले आए हैं, वे गड्डी थले ले आंदा वे, लाइक दिस। हाँ क्या आ गया, चुपका इसको पार्किंग में लगाने जा रही है क्या मम्मी, मजा आया? बाकी सही हो यार, मजा बड़ा आ रहा है घूम घूम के, और थक तो गए यार, बहुत थक गए मम्मी और मुस्कान तो 3 बजे के उठे हुए, मैं 5-6 बजे उठा था, नहा धो के आराम से क्या दर्शन करें, ये लोग बेचारे 3 बजे के उठ के तो दर्शन करने निकले हुए। बाकी ठीक है, अभी आगे के बाद गाड़ी मैसेज करते हैं। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं अमृतसर से, बैग वैग लेके अपना जो भी बोरी बिस्तर पैक करके लेके हम लेके आए थे, अपनी गाड़ी में डाल के वापस घर की ओर चल पड़े हैं। हम जाएंगे पहले नकोदर, नकोदर माथा टेकेंगे, उसके बाद सीधा रोहतक, ठीक है। और बहुत बुरी बनी है भाई, थके पड़े हैं, बहुत थके पड़े हैं, बुरी तो नहीं बनी मतलब थक गए यार, चूर हो गए। एक तो हमारा कूका इतना तंग करता है ना हमें, परेशान हो गए, पूछो मत। बाकी चलो देख रहे हो मेरे सर के रोड, और बोलो तो मम्मी अभी कुछ कह रहे थे लेकिन मुंह के अंदर बात आई, लेकिन वो खा के अंदर ऐसे करके, बोलो बाहर निकालो ना, मैंने निकाल। चलो ठीक है, अभी ऑफ कैमरा मम्मी बताएगी फिर बताऊंगा। गाइस यहां पे ना टोल पे हमें मिल गया था मूंग दाल लड्डू, एक लड्डू खा गए हैं पापा मैं ये, और वो भी हमारी सो गई, मम्मी भी सो रही है और हम ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और यहाँ पे ना मेरी कमर दर्द हो रही थी, मैंने ना मम्मी का पर्स चक के अपनी कमर के पीछे लगा दिया आराम से, और अब मैं लूंगी मूंग दाल लड्डू के आनंद। अभी आगे मिलेगा ना और तो और लड्डू ले लेंगे हम, टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, अगर आप भी आते हो अमृतसर तो ये जरूर ट्राई करना। अभी टोल क्रॉस कराई था और हमें एक चीज मिली यहाँ पे, इतनी प्यारी चीज है ना यार, इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे को ये लड्डू, लड्डू कौन से लड्डू, मूंग के, मूंग दाल लड्डू भैया, और सच में इतने स्वाद है ना, कभी तुम्हारा चक्कर लगेगा इस तरफ तो जरूर खाना, ये भी टेस्ट जरूर करना, बहुत स्वाद लग रहे हैं। वो कौन सी आइटम थी जो आप खाते थे, क्या नाम लगा था अभी, किसकी तरह ढोकला, जैसे ढोकला होता ना वैसे, पिछले वाला ज्यादा स्वाद था, कोई नहीं भैया खड़े सुन लेंगे। एक चीज बता रहे हैं अभी, एक सेकंड, क्या बता रहे पापा, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को बात की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मम्मी राम, जो हमने राम लड्डू लिए, मम्मी खान दी थी, पापा बोले जलेबी ला दूँ, मीठा तो मम्मी शौक से खा लेती है, तो फिर बातों बातों में पापा के मुँह से बात निकली कि गांव में खाते थे हम, कैसे बताना पापा, दशहरे पे जलेबी आती थी, दशहरे पे जलेबियाँ, हाँ मैंने भी खाई है गाँव में, जब मैं गाँव में रहता था ना, दशहरे पे जलेबी आती थी भर भर के हमारे गाँव में, खाओ जितनी खानी हो उतनी खाओ, तो गाँव में मिली थी मेरे को, करी मेरे को तो नहीं खिलाई अपन, शहर में आते मैंने छोड़ दी, मैं तो घर में खिला दूंगा, कितने तो मम्मी ने एक और सच बताया, क्या है नोने, इसमें नींबू का बहुत मजा आता है, मक्खियां बेल बना दिया होते हैं जलेबियां ने स्वाद ना खांदे थे, नहीं वो मक्खी वाली मैंने नहीं खाई, मैंने साफ सुथरी खाई थी, मैंने गोवान गोवाना वाले की खाई थी, नहीं नपुंसक लगे साफ सुथरा सी, हां तेरे मामा अपने थोड़ा खा लिया, तो अपने आप पल गए, हां लो
कहा कि चलो ठीक है, कहानी राम दी पहुंच गए अपने गांव सिवाना माल। और बाकी लड्डू बड़े स्वाद है, ट्राई जरूर करना, बहुत स्वाद लड्डू लगे। इस बार वाले स्वाद नहीं है, पहले वाले जो हमने खाए थे ना टोल पे, वो बड़े स्वाद थे, चटपटे थे वो। उसके ऊपर देखो नींबू, वो क्या बोलते हैं, मूली गाजर हर चीज डाल रखी है। देखते हैं, गर्म तो नहीं होते ना बाबा? चलो ठीक है, चलते हैं ना उधर लाडी साईं जी के पास, माथा टेक के निकलते हैं आगे। तो गाइस अभी लड्डू लेके निकले थे और हम रुके यहाँ पे, कहाँ पे जूस लेने के लिए। क्या था ना, मम्मी को प्यास लग रही थी बार बार, गलास सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, मेरे वाले मम्मी जूस पी लो, मुस्कान को भी जूस पीना था, हमने तो लड्डू खा लिए भैया, इनको जूस पिला देते और फिर चलते हैं आगे। भैया को मैंने साफ मना कर दिया, भैया मीठा बिल्कुल मत डालना, उसमें खट्टी है, जब भी खट्टी देते ना खट्टा पी लेंगे, लेकिन मीठा मत डालना, सही है ना। ये अपने मुराद शाह जी के दर्शन हमने कर लिए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और अभी निकलते हैं घर के लिए। और गुग्गा हमारा, गुग्गे थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी है, गुग्गे ने आते आते ना पता नहीं उल्टी सी कर दी, क्योंकि गुग्गे इसको बैठ के ना गाड़ी बैठ के सफोकेशन हो रही थी, इसलिए उल्टी सी कर दी थोड़ी सी। और चलते हैं अभी घर पे, बच्चों को कई बार हो जाता है, जैसे कि कई बार लंबा सफ़र करने पर ना उल्टी सी निकल जाती है, वही काम इसके साथ हुआ है। तो गाइस यहाँ पे ना रावण, कुंभकर्ण और एक और मेघनाथ, तीन जने खड़े हुए हैं जलने के लिए तैयार हो रहे हैं। कितने बड़े बड़े हैं, सबसे बड़े लग रहे हैं मेरे को तो यहाँ पे। अभी ना इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी थी, इतना बड़ा बड़ा था, पूछो मत। अभी चलते चलते हम लोग पहुँच गए अपने वाले रूट पे, मतलब 152 डी पे, और यहाँ से हमें 2 घंटे तकरीबन लगने वाले हैं, और चलते हैं टाइम से घर पहुंचे तो ठीक है, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा सुना है, जो उधर वाला रोड जा रहा था हमारा वाले वाला वो थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन उसमें ट्रैफिक बहुत है, लेकिन ये वाला थोड़ा सुना रहता है, तो इसलिए थोड़ा खींच के चलते हैं इसको, मिलते हैं थोड़ी देर में। चलते चलते पहुंच गए हम लोग पेट्रोल पम्प पे, मेरी गाड़ी को लग गई थी भूख, और इसकी भूख मिटाते हैं, भूख मिटानी जरूरी भी थी, क्यों थी, क्योंकि जिस हाईवे पर हम चल रहे हैं उस पर मैं रोकने वाला हूँ नहीं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचते हैं घर पे। तो गाइस अभी हम आए रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, और इतना ज़्यादा थक गए ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला, और हमारा गुग्गू भी परेशान हो रखा है, इसको उल्टियाँ भी लग गई सफ़र में, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने कहा इसको उल्टियाँ लग गई ना ही, फिर परेशान हो रखा है, तो अभी इसको सोचा कुछ खिला दे, कुछ खा भी नहीं रहा है सफ़र में, तो देखते अभी कुछ खाता है नहीं खाता, बाकी सफ़र में बड़ा परेशान हो गया और इसने हमें भी परेशान कर दिया। तो गाइस यहाँ पे ना कुछ बातें चल रही हैं, कभी पापा कह रहे झाड़ू बेच लो, कभी कह रहे राम, ये कह रहे राम लड्डू बेच लो, पापा कह रहे रेस्टोरेंट खोल लो, मम्मी कह रही झाड़ू बेच लो, पता नहीं कौन कौन से बिजनेस निकाल के लेके आते रहते हैं। और हमारे गुग्गे का एक बिजनेस है ये, मीत की करदाशी, तेरी दुकान इसकी खुला दे बेटी, सारा गंद फिना की, ये देख लो हनुमान जैसा मुंह ना बनाऊं मैं, साथ तो आप भी रावण जैसे ही लग रहे हो काले काले। अरे यार ऑयली स्किन है मेरी, जब भी दिख रहा हूँ रावण जला नहीं अभी। तो गाइस अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, मैंने चाय मंगवाई, मैंने कहा पहले मुझको चाय पीनी है, मैंने आगे दोनों तो उसे आराम कराना है, कि बहुत हो गई है, और यहां पे मैंने सैंडविच और चाय भी स्वाद है, ठीक ही देख लो, सॉस और मंगवा दो उन्होंने, रेड यस, काली चाय आई एक पर, वो भी चाय अच्छी है, कड़क कैसा है, इसको रोटी खिलाऊंगी मम्मी दाल के साथ, पिछली बार खिलाया था ना इसने उल्टी कर दी थी सफर में, नहीं और ये अभी मम्मी और की दाल चावल वगैरह, नहीं नहीं
बिम्बू, इसने बिम्बू चट्टा भी दिखा रहे, करता है दुद्धो दुद्धो बिम्बू खा ले खा ले। खा गया नींबू, फिर से खा गया। और ये देखो इसका एक्सप्रेशन, देखो कितने क्यूट से एक्सप्रेशन दे रहा है। ओके बिम्बू खाना तो मम्मी, एक मिनट चढ़ा रहा है थोड़ा, खा ले बिम्बू खा ले खा ले। क्या हुआ बिम्बू है? तो हेलो गाइस, आ गए आप लोग। तो गाइस बहुत थके हुए यार, आते बस कपड़े वपड़े चेंज किए और बस अभी मन कर रहे कि बस सो जाए, कोई छेड़े ना खोड़े बेच के सो रहे हैं बस अब तो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी के साथ मिलेंगे शायद अगले महीने क्योंकि एक ही महीने बाद तो हमारे व्लॉग्स आ रहे हैं। तो चलो ठीक है गाइस, गुड 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 नाइट।